दोस्तों आज मैं आपके साथ टमाटर और नींबू के रस को यूज़ करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन सा हैंड एंड फीट वाइटनिंग पैक शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप अपने हाथों पाँव के साथ साथ अपनी फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये टैन को रिमूव करेगा, कालेपन को दूर करेगा, स्किन को नीट एंड क्लीन बना देगा। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। अगर आपको जो है वो अपनी स्किन को नीट करना है, क्लीन करना है, फेयर बनाना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक टमाटर लिया है, टमाटर को आप लोगों ने काट लेना है और कोशिश करें कि जूसी टमाटर का इंतखाब करें, ठीक है। आधे टमाटर को मैंने काट लिया है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने नींबू लिया है, नींबू को मैंने काट लिया है। बीजों को आप लोगों ने अलग कर लेना है। बीजों को अलग कर लेने के बाद अब हम लोगों ने करना यह है कि जो टमाटर हम लोगों ने काटा है उसके ऊपर हम लोगों ने इस टमाटर इस जो नींबू का रस है उसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है, यानी कि फैला लेना है। ये देखें, टमाटर टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत बेहतरीन है, स्किन पे ग्लो लाता है, स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है, और नींबू का रस के भी यही काम है। ये भी टैनिंग को रिमूव करेगा, कालेपन को दूर करेगा, टैन को रिमूव करेगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ यहाँ पे वो है शुगर, ठीक है, यानी कि चीनी। यहाँ पे आप चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरी नॉर्मल जो चीनी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी क्या करेगी, जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको रिमूव करेगी, स्क्रबर का काम करेगी और स्किन को नीट बनाएगी, क्लीन बनाएगी, ठीक है जी। बस ये तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, बस इन्हीं तीन चीज़ों से हम आज की रेमेडी को रेडी हम लोगों ने कर लिया है। अब अप्लाई आप लोगों ने किस तरीके से करना है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जो डार्क एरियाज़ हैं, जैसे हाथों के नकल्स हो गए, हाथों की जो जोड़ होती है जिनको नकल्स कहा जाता है, वहाँ पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से मसाज करना है। बाजू की कोहनियों पर अच्छे तरीके से मसाज करना है, पाँव पे अच्छे तरीके से मसाज करना है। चप्पल पहनने की वजह से पाँव पे कुछ अजीब से निशान बन जाते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, स्किन बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। लेकिन ये पहली बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप दो से तीन बार अप्लाई करोगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से मसाज करना है। मसाज में कोई भी आप लोगों ने नहीं करनी, मतलब अच्छे तरीके से आप लोगों ने मसाज करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है। यहाँ पर वीडियो मैंने फास्ट की हुई है, मसाज में बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। इस रेमेडी को आप लोगों ने चेहरे पर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये रेमेडी चेहरे के लिए नहीं है, बाकी आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। स्पेशली आप इसको गर्दन पे अप्लाई करो, क्योंकि गर्दन भी टैन की वजह से, मैल की वजह से, पसीना आने की वजह से मैल की लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे अप्लाई करें। इसे लड़कियाँ तमाम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी है। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है आगे नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर में, वो भी इसको लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप लोगों ने नॉर्मल पानी से अपने हाथों और पैरों को वॉश कर लेना है। पहली बार में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए 2 से 3 बार आपने लाजमी अप्लाई करना है। डेली यूज़ नहीं करना, हफ्ते में अगर आप लोग इसे 2 बार भी कर लेते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेमेडी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।